ठीक है, ओके। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आरके, मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस बैच में। ये हमारा न्यू बैच है, बैच कोड है इसका ERKF057, यानी कि 056 तक बैच खत्म हो चुके हैं लगभग। मतलब इससे पहले 6 बैच खत्म हो चुके हैं, ये 7वां बैच है और इस बैच का नाम है ज्ञानशाला, राइट। इससे पहले मैंने इसका नाम कुछ और रखा था, ठीक है, ज्ञान गंगा या अदर, बट उस नाम से ऑलरेडी कहीं और जगह पे बैचेस चल रहे थे, तो इसलिए मैंने इसका चेंज कर दिया। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक टेंसेस, पढ़ेंगे डे वन, आज इसकी फर्स्ट क्लास है। तो बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास, मैं आप लोगों को कुछ बातें पहले डिस्कस कर लेता हूँ ऐसे बच्चों के लिए जो आज नए हैं इस क्लास में। आप में से कौन कौन है ऐसा जो आज फर्स्ट, जो आज पहली पहली बार बैठा है मेरी क्लास में, एक बार ऐसे थम्स अप दिखा दो। जो आज ऑनलाइन में मेरी क्लास फर्स्ट टाइम इस यहाँ जूम ऐप से ले रहा है, एक बार थम्स अप दिखा दो। यस, मैं सबको देख पा रहा हूँ। ओके, ज्योति, मनीष, सागर, सुरक्षा, ओके, ये सनी, ओके ओके, केतु, ये देखा आ गई ना केतु, इन्होंने भी अपना नाम केतु रख रखा है, केती का नाम है असली, ऐसे इनका नाम जिज्ञासा है तो सुरक्षा लिखा हो। ओके, चलो, बहुत से बच्चे नए हैं तो थोड़ा सा पहले मैं कुछ रूल्स रेगुलेशन इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्लास के बारे में कि क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। जिन बच्चों को वॉइस वगैरह नहीं आ रही हो या फिर स्क्रीन ना दिख पा रही हो, तो बेटा एक बार रिमूव हो जाओ, फिर से दोबारा एंट्री करो। हो जाता है, कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती है जब नेटवर्क का इशू रहता है। तो देखो बेटा, कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि जब तक आपको जरूरत ना पड़े माइक को ऑफ ही रखिएगा। जब तक आपको जरूरत ना हो माइक को आप ऑन मत करना, ठीक है। जब आपको जरूरत पड़े तो ही माइक ऑन कीजिएगा। दूसरी बात, हाँ, ये कैमरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैमरा आप चाहो तो ऑन करो, चाहे तो नहीं, कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है, राइट। अगर कहीं कोई डाउट आता है इमिजिएटली आप उसी वक्त मेरे को रोक करके पूछ लीजिए कि सर ये वाला डाउट है, प्लीज यहाँ पे मेरे को इस चीज को बता दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पेज पलट दूं, तीन टॉपिक आगे निकल जाए, तब आप कहोगे सर वो पीछे पेज करना, तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं ऐसे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथों बात मेरे को रोक करके पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी यहाँ से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा टेंसेस के टॉपिक को। ये आज हमारा टॉपिक है टेंस। बिफोर आई स्टार्ट, मैंने आपको पहले एक बात कही थी कि जो है आप लोगों को मैं ये मान करके पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं चीजों को उठाऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं चीजों को पढ़ाना शुरू करूंगा। तो इसलिए अगर आप में से ऐसा कोई बच्चा है जो सीधा एडवांस पढ़ना चाहता है, तो बेटा उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं, आप सभी मेरे लिए बराबर हो, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा और फिर धीरे धीरे करके इसको ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो टेंस शुरू करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको टेंसेस के रूल्स में दिक्कत होती है। ये जो रूल्स होते हैं टेंस के, रूल्स ऑफ टेंसेस, आप में से कैसे इतने बच्चे, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको टेंस के रूल्स में दिक्कत है, एक बार जरा थम्स अप दिखाइएगा। मैं हूं सर, मैं। हाँ, आप। ये किसी के पीछे से ज्यादा नॉइज आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको म्यूट कर लीजिए। सनी, हाँ, आपकी साइड से बच्चा। ओके ओके ओके, चलिए। तो काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको टेंसेस के रूल से ही बिल्कुल बिगनिंग से सीखना है, तो पहले मैं आप लोगों को टेंस के रूल्स ही सिखा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि भाई बिना उसके तो काम बनेगा नहीं, राइट। बिना उसके सीखे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, वो तो आना कंपलसरी है, ठीक है। चलो, तो टेंस के रूल सीखने के लिए स्टार्टिंग करते हैं। कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा, पहले सुनने पे ध्यान देना, उसके बाद लिखना, राइट। चलो, एक मिनट, मैं अपनी साइड से वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। मेरी साइड से बेटा फुल है मेरी साइड से, आप अपनी साइड से देख लीजिए। बाकी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है? बच्चों एक बार थम्स अप दिखा, आवाज क्लियर है? ये एक दो बच्चे का जो इशू आ रहा है वॉइस का, तो बेटा ये आपकी साइड से, फिर वो नेटवर्क के इशू की वजह से हो रहा है, बाकी और कोई। ऑलराइट, हां, ऑलराइट है ना। देखो बेटा, जब भी हम टेंस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास टेंसेस तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, राइट। ओके, सोचो अगर कोई भी बात अगर हम प्रेजेंट में बोलते हैं, मान लो मैंने एग्जांपल कहा कि जिज्ञासा खाना खा रही है, निशांत खेल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, वे लोग पढ़ रहे हैं, यानी प्रेजेंट की कोई भी बात अगर हम बोलते हैं, तो उस बात को बोलते समय हम श्योर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम किसी बात को बोलते समय श्योर हो सकते हैं, यानी कि वो कैसा एक्शन होगा बेटा, तो वो होगा जस्टिफाइड एक्शन, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि कोई भी बात बोलते समय अगर हम श्योर हो सकते हैं, तो वो सारा का सारा बात हमारा कैसा होगा, तो जस्टिफाइड एक्शन होगा, राइट।
अच्छा, पास्ट की अगर कोई हम बात बोले, जैसे मान लो मैंने कहा कि पास्ट में कोई काम हुआ, मान लो लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ था, इस बार दोबारा लॉकडाउन हो गया या 370 हटा कश्मीर से, तो पास्ट में कोई भी जब इंसिडेंट होता है तो हम उसमें भी बोलते समय श्योर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो पास्ट के एक्शन भी कैसे होंगे बच्चों? तो जस्टिफाइड एक्शन होंगे। बच्चों बेटा मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए म्यूट करने जा रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में ना डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है, सॉरी बट जरूरी है, वरना डिस्टर्बेंस होती है ना तो एक की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। चलो, जब फ्यूचर की कोई भी बात हम बोलते हैं तो फ्यूचर की बात के लिए क्या आप कभी भी श्योर हो सकते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास एक कैरेक्टर है, हमने एग्जाम्पल लिया किसका, निशा, ये हमारे पास सबसे ऊपर यही चमक रही है, तो इन्हीं का एग्जाम्पल लपेट लेते हैं। अब मान लो ये हमारे पास निशा, अब इन्होंने सोचा कि आज मैं घर जा करके, मतलब मान लो कि इनकी ऑफलाइन क्लास हो रही है, इन्होंने सोचा कि अभी मैं घर जाऊंगी और घर जाकर के अपनी फ्रेंड के साथ खेलूंगी कंचे, ठीक है। अब ये मान लो घर पहुंची, अब घर जाते ही इनकी मम्मी ने कोई काम दे दिया, निशा बेटा ये काम कर दो, ये मम्मी का काम में बिजी हो गए, फिर पापा ने काम दे दिया, पापा फिर पापा के काम में बिजी हो गए, फिर जब सारे काम हो गए तो अब जो है बारिश आ गई, तो बेचारी खेल ही नहीं पाई कंचे जो ये सोच रही थी। तो यानी कि फ्यूचर का इसने कितना भी प्लान किया था वो श्योर नहीं हो सकता है कि ये काम हो गई होगा। यानी फ्यूचर आप कितना भी डिसाइड कर लो भैया, वो अनजस्टिफाइड ही रहता है, भगवान तो हो नहीं कि आप उसको 100% श्योर कह सकते हो, ठीक है। तो ये सारे एक्शन हमारे कैसे होते हैं बेटा फ्यूचर के, वो होते हैं अनजस्टिफाइड एक्शन। मेरी बात क्लियर हो गई? अब ग्रामर का कहना है कि अगर कोई भी एक्शन अनजस्टिफाई है तो पहले उसको जस्टिफाई किया जाए, जिसके लिए ग्रामर इसको एक मोरल का सहारा देता है, विल और शैल, जो आपने बचपन से सुना ही होगा कि जब भी फ्यूचर आए तो विल शैल लगाओ, विल शैल का यूज किया जाता है, तो समझ लीजिए कि फ्यूचर टेंस है। आज आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर में विल और शैल का यूज क्यों किया जाता है, राइट? बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो बेटा, जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस, कोई भी जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कॉमनली होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कह लो या अदर वर्ड कह लो, फिलहाल मैंने ऑब्जेक्ट माना है। अगर मैं सिचुएशन नंबर ए, मैं जानता हूं कि ऐसे आप में से कई बच्चे होंगे जिन्होंने पहले क्लास ले रखी है, तो वो उनको लग रहा होगा कि सर ये एग्जांपल्स पहले हुए हैं, तो बेटा ये बिल्कुल बिगिनिंग से चीजों को सिखा रहा हूं, इसलिए मैं इनकी रिपीटेशन एक बार कर रहा हूं, तो आपके लिए रिविजन ही हो रही है, ठीक है। आगे और आपको एग्जाम्पल्स नए नए मिलेंगे, तो वहां से आपको इंटरेस्टिंग चीजें और सीखने को मिलेगी, पहले जितना बता रहा हूँ वो सीखते रहिए। हाँ, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉमनली ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं कंडीशन नंबर एक, सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर मैं कंडीशन नंबर एक दूं आपको कि हमारे पास सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है कि सेंटेंस बनेगा? बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। अच्छा, सिचुएशन नंबर टू, अगर मैं दूसरी सिचुएशन क्रिएट करूं कि हमारे पास वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इस बार क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो अब बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। अच्छा, सिचुएशन नंबर थ्री, इफ आई हैव सब्जेक्ट एंड इफ आई हैव ऑब्जेक्ट, वी डू नॉट हैव एनी वर्ब, अब बनेगा? सर बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। सर बिना एग्जांपल के तो समझ नहीं आ रहा, सर प्लीज एग्जांपल भी दे दो। तो चलिए, एग्जांपल के बिना समझ में नहीं आ रहा ना, एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ द लायन रॉस, ठीक है, द बॉय लाफ्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास द लायन सब्जेक्ट है, रॉर वर्ब है, बॉय सब्जेक्ट है, लाफ्ड वर्ब है ना। अच्छा, इसके अलावा जैसे अगर हमारे पास वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ओपन द विंडो, ओपन द डोर, कुछ भी मान लो अपने हिसाब से। अच्छा, कॉल योर फादर, तो यहाँ पे बेटा हमने ओपन लिखा वर्ब और द डोर लिखा ऑब्जेक्ट, कॉल वर्ब योर फादर ऑब्जेक्ट, हमारे पास सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बन गए सेंटेंस। हमारे पास वर्ब है ऑब्जेक्ट है, इस बार सब्जेक्ट नहीं है, तो भी बन गया सेंटेंस। लेकिन दुनिया का एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता जहां पे सब्जेक्ट हो वर्ब हो लेकिन सॉरी सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो लेकिन वर्ब ना हो, एक भी सेंटेंस नहीं है। अगर आप लोग इसमें ज्यादा सोच विचार कर रहे हो कि देखो सर बन तो गया कि निशा इज माई स्टूडेंट, बन गया, तो बेटा ऐसे जो प्राणी बैठे हैं ज्ञानचंद लोग, उनको मैं समझा दूं कि यहाँ पे निशा इज माय स्टूडेंट के अंदर इज एम आर जो आ रहा है वो भी तो वर्ब ही है कि नहीं, ठीक है। अब मैंने कहा कि निशा इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब आपको दिख रहा है प्लेइंग है,
लेकिन अगर मैं कहूँ कि निशा इज माई स्टूडेंट, तो यहाँ पे भले ही एक्शन वर्ब नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब तो है, बिल्कुल है, उसको भी हटा दो तो बनेगा क्या? बन ही नहीं सकता। यानी कि ये पॉसिबल है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट ना हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट ना हो। यानी कि बिना सब्जेक्ट के बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के बन सकता है, बट बिना वर्ब के दुनिया का एक भी सेंटेंस नहीं बन सकता। राइट, इतनी बात क्लियर है? बोलो यस, वेरी गुड। अच्छा अब देखो बेटा, वर्ब जो होती है इसका मतलब होता है क्या? क्रिया, यानी कि एक्टिविटी होता है ना। अब सोचो कि अगर हमने कहा कि बिना वर्ब के, यानी बिना क्रिया के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, और अगर वर्ब होगा तो जाहिर सी बात है कि या तो वो वर्ब प्रेजेंट में होगा, या तो वो पास्ट में, या तो वो फ्यूचर में। क्या इसके बाहर कोई एक्टिविटी हो सकती है? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपल सी बात थी कि बिना वर्ब के दुनिया का एक भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता, और जहां वर्ब होगा वहां पे कोई ना कोई टेंस जरूर होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि दुनिया का एक भी सिंगल सेंटेंस बिना वर्ब के बनता नहीं है, और जहां वर्ब होगा वहां कोई ना कोई टेंस जरूर होगा। तो क्या हम शॉर्ट में ये नहीं कह सकते हैं कि बिना टेंस के दुनिया का एक भी सेंटेंस नहीं बनता? यानी कि कोई भी आप सेंटेंस लिख लो उसके अंदर टेंस जरूर होगा। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेंस, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा बेटा, आप लोगों ने अगर लिखा नहीं है तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, मैं इसको मिटा देता हूँ फालतू चीजों को। हाँ, या तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको एक मिनट का पूरा टाइम देता हूँ फटाफट। स्क्रीनशॉट के लिए भी फोन उठाना पड़ रहा है, मतलब जब सामने मेरे सामने फोन उठते हैं ना कई लोगों के, तो एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ जाती है कई बार। तो ऑफलाइन में कॉमनली ऐसा होता है, जैसे मैं कहता हूँ बेटा ये जितना समझाना था समझा लिया, लिख लो बोर्ड पे जो भी लिखा है वो नोट कर लो। तो कई ऐसे आलसी बच्चे भी बैठे होते हैं जिनका कहना होता है सर जी मैं सीधा फोटो ही ले लेता हूँ, या जैसे कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो लेट आए होते हैं, तो मैं कहता हूँ बेटा आप लिखने में टाइम लग जाएगा, जल्दी से फोटो ले लो। तो सारे के सारे अपना फोन निकाल करके, मतलब जिनके महंगे फोन है तो जाहिर सी बात है चमकाना भी जरूरी है ना, पापा की परिया। तो एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ जाती है कि चारों साइड कैमरे मैं भी एकदम पोज देके खड़ा हो जाता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी जल्दी से इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी फटाफट एग्जाम्पल लिखे हैं। चलो हो गया, एक बार थम्स अप दिखा दो। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड 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 सर, नोट भी कर लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, बहुत बढ़िया ज्योति, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आप में से ऐसा कोई प्राणी है जिसको टेंस के रूल याद नहीं है, तो बेटा आज की क्लास के बाद ये मेरी गारंटी है कि आप टेंस नहीं भूल पाओगे, ये पक्का है। ठीक है, देखो लिखो साथ में, आज की क्लास के बाद आप लोग टेंस के रूल नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप एक पल को अपना नाम भले भूल जाओगे लेकिन रूल नहीं भूल पाओगे। तो अब से 15 मिनट तक ध्यान से सिर्फ सुनते रहना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत काम की चीज है। राइट, तो लिखने का काम भले ही आप बाद में कर लेना, लेकिन जो मैं आपको समझाऊंगा उसको बिल्कुल ध्यान से सुनते रहेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, ये बॉक्स मेरे साथ जरा बना लीजिएगा, एक मिनट मार्कर चेंज कर देता हूँ। ठीक, नोटबुक को वर्टिकल कर लीजिएगा, वर्टिकल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, मतलब जैसे लैपटॉप के शेप में बनाओ, जरा सिंपल कंटीन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहाँ लिखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, यहाँ लिखो फ्यूचर टेंस, ऐसे करके लाइन डाल लो। हाँ, मतलब ये बॉक्स टाइप का हो गया। इस तरीके से बना,
आज की क्लास के बाद बेटा ये मैं आपको बिल्कुल वादा करता हूँ कि आज की क्लास के बाद आपको टेंस के रूल्स में कभी दिक्कत नहीं होगी। 100% आपको आज याद होने वाला है। चलो बनाओ फटाफट, इतना बना लो, मेरी थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी है, आप अपने अच्छे से बनाना। चलो जब बना लो तो एक बार ठेंगा दिखा देना। यस ठेंगा दिखा दो अगर बन गया हो तो। राइट, जो बच्चे लेट आए हैं सोच रहे होंगे कि सर आपने हमारी आवाज छीन ली है। बेटा मैंने जानबूझ के भी आप लोगों को म्यूट किया हुआ है, क्योंकि अभी जब तक मैं पूरी बातें समझा नहीं देता तब तक थोड़ा अनम्यूट करने में दिक्कत रहती है, डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है। ठीक है, उसको जरूरत पड़े तो बता देना कि सर अनम्यूट कर। चलो शुरू करें फिर। अब जिसका नहीं बनाया बेटा आप रुक जाओ, पूरा पहले समझ लो, सीख लो, जान लो, तब बनाना। देखो बेटा हमारे पास टोटल कितने बॉक्स बने, तो 12, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बॉक्स बने, यानी कि टोटल कितने रूल हुए, 12 रूल हुए। राइट, जैसे इस बॉक्स में हम बात करें तो सिंपल प्रेजेंट, यहाँ सिंपल पास्ट, यहाँ सिंपल फ्यूचर, यहाँ पे आ जाओ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब इसी क्रम में सारे आएंगे। राइट, अच्छा इसमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखना था कि जो फ्यूचर होता है इसमें विल और शैल हमेशा ही रहेगा, तो इसको क्यों ना हम यही लिख दें, बार 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 रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको ना ऊपर फ्यूचर वाले डब्बे में डाल के छोड़ दो, ताकि बार 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 आपको रिपीट ना करना पड़े, वो वहीं पे लिख दिया, इसका मतलब वो सबके लिए बराबर हो गया। राइट, अब देखो पीछे हमने एक बात कही थी कि जब भी हम कोई सेंटेंस को बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब भी दो होते हैं, एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब की फॉर्म, होता है ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म। जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं बच्चों, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो पहले से ही गिवन होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि वो क्रिकेट खेल रहा है, तो इस सेंटेंस में वो, यानी जो पर्सन है वो सब्जेक्ट है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। मेन प्रॉब्लम तो यहाँ यही आती है कि कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आए और कब कहाँ पे कौन सी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आए, ये बातें बड़ी कंफ्यूज करने वाली है। तो पहले ये मेन वर्ब को थोड़ा सा ये जान लो कि इसकी मेन वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जैसे मैंने आपको कहा गो, तो सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। राइट, अच्छा यही गो जो होता है इसका सेकेंडरी होता है फॉर्म गोज, जो ही शीट के लिए लगाया जाता है। जैसे अगर मैं एक और वर्ड बोल रहा हूँ ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, और यही ईट जो होता है इसको ईट्स बोला जाता है ही शीट के लिए। राइट, बाकी आप समझदार हो, राइट, रॉट, रिटर्न, है ना, ये सारी बातें। अच्छा इसमें एक और फॉर्म होती है बेटा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको हम प्यार से फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इसका मतलब होता है वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब जो ब्रैकेट के बाहर लिखी है, फर्स्ट फॉर्म में गो का गोइंग होता है, कभी भी गोज का गोजिंग नहीं सुना होगा आपने, ईट का ईटिंग होता है, कभी भी ईट्स के साथ आईएनजी नहीं सुना होगा आपने। तो बेटा अगर कहीं पे भी मैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखूं तो पैनिक मत होना कि सर ये क्या होता है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब अगर मैं कहीं लिखूं शॉर्टकट में, तो समझ लेना कि मैं आईएनजी फॉर्म लिखना चाहता हूं। ठीक है, चलो अब शुरू करें फिर यहां से कहानी। ओके, अब 2 मिनट के लिए पेन वेन को, पेन पेंसिल जो भी, व्हाटएवर यू हैव, उसको 2 मिनट के लिए रख दीजिए, आराम दीजिए और बिल्कुल कान खोल करके सुनने पर कॉन्सेंट्रेट करना। देखो इंग्लिश में कहीं पे भी अगर आपको कंटिन्यूस दिख जाए, क्या दिख जाए, कंटिन्यूस दिख जाए, सीधा आंख बंद करके आईएनजी फॉर्म लगा देना, कभी गलत नहीं हो सकता, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो। यहाँ पे भी कंटिन्यूस दिख रहा है, यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म लगाते रहो, चलो यहाँ पे भी कंटिन्यूस था तो यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म और आईएनजी फॉर्म लगा दिया, वेरी गुड। इंग्लिश में कहीं पे भी कंटिन्यूस आ जाए, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस वर्ड आना चाहिए, बस सीधा आईएनजी लगा दिया। ओके, आगे बढ़ो। कहीं पे भी अकेला परफेक्ट आ जाए, अकेला परफेक्ट, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ परफेक्ट कंटिन्यूस, अकेला परफेक्ट आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ गया। अच्छा अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरी खत्म हो गई, फोर्थ फॉर्म पूरी यूज हो गई, अब बची दो फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म। बॉक्स बचे हैं 3, फॉर्म बची है वर्ब की सिर्फ 2, तो कैसे फिल करें। तो याद रखना बच्चों कि पूरी इंग्लिश में सिंपल पास्ट एकमात्र अकेला ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और कहीं नहीं आती, बाकी दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चिपका दो।
ठीक है, मैं फिर समझाता हूँ बेटा क्या हमने सीखा, कि कहीं पे भी कंटिन्यूस आए आईएनजी चिपका लो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी हो, कंटिन्यूस दिखता ही आईएनजी, अकेला परफेक्ट दिखता ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सिंपल में आप देखोगे तो बस इतना ध्यान रखना कि सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और बाकी दोनों में वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट आती है। इतनी बात क्लियर है? ठेंगा दिखा दो एक बार। यस, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। तो आपको भैया मेन वर्ब तो सारी याद हो गई, राइट? ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अब आज के बाद आप मेन वर्ब कब कहाँ कौन सी लगानी है ये तो कंफर्म आपको याद हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं भैया हेल्पिंग वर्ब की। अब कब कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाए? सर हैज हैव हैड कहाँ लगाते हैं, वाज वर्ब कहाँ लगाते हैं, बी वगैरह कहाँ लगाते हैं, है ना? अब इनको भी जरा सीख ले, अब सुनो ध्यान से। जी लेट लेट बच्चे आते हैं, फिर चीजें छूटती है, फिर कहेंगे सर ये रह गया, वो रह गया, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो मेन वर्ब तो हो गया, अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब इसके लिए छोटी सी मजेदार कहानी कहानी है, वो कहानी सुनना, अब थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेट करना, मजा आने वाला है, ठीक है? आज के बाद आपको ये हेल्पिंग वर्ब भी कभी नहीं भूलने वाले हो। देखो कैसे, हमारे पास एक पिताजी के तीन बेटे हैं, एक पूरी फैमिली का काम हो रहा है यहाँ पे। एक पिताजी हैं जिनका नाम है सिंपल, इनके तीन बेटे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे बड़ा बेटा कौन? तो प्रेजेंट टेंस, फिर बीच वाला पास्ट, सबसे छोटा फ्यूचर टेंस, ठीक है? अच्छा, पिताजी बेटे तीन थे, तीनों में से दो अच्छे अच्छे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एक थोड़ा सा बुरा था, नालायक टाइप का। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी फैमिली में तीन भाई होते हैं तो दो भाई अगर अच्छे हैं तो एक बुरा जरूर निकलता है, होता है ऐसा? सैंपल आपने अपने देखे होंगे आस पड़ोस में भी, होता है ना? अच्छा, अगर ऐसा हो कि भाई अगर एक अच्छा है तो बाकी के दो बुरे निकलते हैं, ऐसा होता है? अच्छा, अगर तीनों अच्छे हो तो बाप बेवड़ा निकलता है, आज तो पी के पड़ा हुआ है नाले में, है ना? तो ऐसा ऐसा भी होता है। खैर, तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती है। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास कि दोनों भाई तो सही थे, सबसे बड़ा सही है, सबसे छोटा सही है, बीच वाला थोड़ा नालायक है। मतलब ये वो सारे बुरे काम करता है जो शायद आप लोग नहीं करते, कि कहीं गली के पीछे खड़े होकर के तंबाकू बना रहे हो, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं करते होंगे, मुझे ऐसे शक्ल से भले ही आप लोग लगते हो नशेड़ी पसेड़ी जो भी, बट एवर करते तो नहीं होंगे चलो मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। आगे बढ़ते हैं। तो देखो हुआ क्या, अब पिताजी ने कहा, अनाउंस किया कि भैया प्रॉपर्टी बांटने की बात आ गई है, तो जो सबसे पहले आएगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो बाद में आएगा उसको कम मिलेगा, और जो सबसे आखिरी में आएगा उसको सबसे कम मिलेगा। पिताजी का नाम था सिंपल, लेकिन थे एक नंबर के मक्खी चूस, कंजूस टाइप के, ठीक है? कंजूस मक्खी चूस आदमी, इसलिए प्यार से लोग इनको एक और नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे? नाम आपने जरूर सुना होगा, इनडेफिनेट, जरूर सुना होगा अपने किताबों में कि सिंपल को इनडेफिनेट भी बोला जाता है। तो ये कहने को तो सिंपल थे, लेकिन एक नंबर की मक्खी चूस कंजूस आदमी, इन्होंने अपने बेटे को देने के लिए कुछ रखा ही नहीं, सारी की सारी चीजें हवा में उड़ा दी। अच्छा, तो सबसे पहले आया सबसे बड़ा भाई, इसने कहा पिताजी मेरा हिस्सा, तो पिताजी ने दे दिया एस और ई एस, वो भी बोला कब यूज करना, ही शीट के लिए बस, और कहीं नहीं। अरे यार कमाल है, एक तो इतना ही दिया, उसके लिए भी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, बोला आन दो भैया जो आ रहा वही आन दो। अच्छा, फिर आई बात पास्ट की। अच्छा, अब पास्ट पहुंच ही रहा था, रास्ते में आया ही था, इतने में मोदी जी आ गए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इतने में मोदी जी आ गए, और मोदी जी ने टीवी पे आके बोल दिया, मित्रों आज रात 8 बजे से संपूर्ण देश में लॉकडाउन, ठीक है? तो ऐसे में ये बेचारा घर से निकला, आधे रास्ते पे पहुंचा, आधे रास्ते पे पहुंचते ही पुलिस वालों ने इनकी सेवा कर दी अच्छे से, ठीक है? कि कहाँ घूम रहा है बिना मास्क के, कहाँ घूम रहा है, सुना नहीं मोदी जी ने बोला लॉकडाउन, कहाँ घूम रहा है, मतलब इसको ढंग से इसको चमका दिया, राइट? ये चौराहे तक पहुंचा ही था, इसको पकड़ के कूट दिया, ये बेचारा चुपचाप अपना मतलब राशन पानी घर आ गया। तो इसको कुछ मिल पाया पास्ट को? नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? लॉकडाउन की वजह से, बेचारे का लॉकडाउन हो गया तो कुछ मिला नहीं, पिटाई अलग हुई, पुलिस वालों ने इसकी सेवा पानी अच्छी कर दी, इसको अच्छे से पेल पाल दिया, भगा दिया। अच्छा, फिर आया लास्ट में फ्यूचर। फ्यूचर ने दिमाग लगाया, सबसे छोटे जो होते हैं ना घर में, वो बड़ा मतलब बड़े शैतान दिमाग के होते हैं, अगर आप में से कोई छोटा है तो समझ ही गया होगा। वो सोच रहा है कि भाई बड़े वाले भैया गए तो उनको इन्नू सा मिला, बीच वाला गया था उसको तो पेल दिया पुलिस वालों ने धरके। अब मेरे पास तो मेरे गुल्लक में पहले से विल सेल रखा ही है, 100-100 के दो नोट रखे हैं, मैं क्यों जाऊं भाई मरने के लिए? हैं भाई, घर में रहो, सुरक्षित रहो, जिंदा रहो, बाहर निकलेंगे तो कोरोना बाद में मारेगा, पहले ये पुलिस अंकल कूट देंगे। बोला नहीं भाई बाहर नहीं जाना। ये भी बेचारा घर का घर में रह गया। अब देखो रूल आपका तैयार,
आगे सब्जेक्ट मान लो, पीछे ऑब्जेक्ट मान लो, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस सी एस ऑब्जेक्ट, आगे सब्जेक्ट मान लो, पीछे ऑब्जेक्ट मान लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट मान लो, सब्जेक्ट प्लस विल शेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया। अच्छा फिर आ जाओ कंटिन्यूस पे। अब कंटिन्यूस के भी तीन बच्चे, वर्ब की आई एन जी फॉर्म, वर्ब की आई एन जी फॉर्म, वर्ब की आई एन जी फॉर्म, तीनों बड़े प्यारे प्यारे एक नंबर के, कति एकदम सुंदर सुंदर दुलारे बच्चे, ठीक है, माँ बाप ने बड़े इसको अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया, राइट। तो अब जो है ये तीनों के तीनों बच्चों में रेस लगी, पिताजी नाम ही कंटिन्यूस है पिताजी का, पिताजी ने रेस लगवाई कि भाई देखो जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे ज्यादा मिलेगा, जो बाद में आएगा उसको कम मिलेगा, और जो सबसे लास्ट में आएगा उसको सबसे कम मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ा भाई है वो सबसे पहले पहुंचेगा, सबसे पहले ये पहुंचा तो उसको कितने मिलेंगे, तीन, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको तीन मिलेगा, इसको दो मिलेगा, इसको एक मिलेगा, है ना, 3-2-1 उल्टी गिनती चलेगी। तो सबसे पहले सबसे बड़ा भाई आया, इसको तीन मिला, क्या क्या मिल गया, इज एम आर मिल गया तीन। अच्छा इसको एक कम मिलेगा यानी दो मिला सिर्फ, क्या क्या मिला, वाज और वर, ठीक है। अच्छा आखिरी में आया फ्यूचर, बिल्कुल एकदम नाक वाक पोंछते हुए आया, अरे मिलना तो है ही, आखिरी में जा रहे हैं, मिलना तो है ही, है ना। तो आखिरी में ये पहुंचा तो पिताजी ने इसको क्या दिया, सिर्फ एक ही मिला, क्या मिला, बी। अब बताना बेटा सबसे गरीब कौन रहा इस बार, हाँ फ्यूचर, बिल्कुल गलत है बेटे, फ्यूचर गरीब नहीं है, ध्यान से देखो, पास्ट गरीब है, फ्यूचर के पास तुम भूल गए विल और शेयर, बेटा वो उसको पैदाइशी उसको दहेज में मिल गया, वो समझ गए ना, फ्यूचर के साथ विल और शेयर तो हमेशा ही रहेगा, समझ गए, ध्यान रखना। जैसे आपने वो महाभारत देखी है, महाभारत में कैरेक्टर होता है कर्ण, याद है ना, कर्ण वही कवच और कुंडल वाले अंकल, याद है ना आपको, समझ लो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, इसको पैदाइशी कवच और कुंडल दहेज में मिल गया है, विल और शेल ये इसके पास रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो अब आप काउंट करके देख लो, एक तो विल और शेल तो दो तो हो ही गए, बी भी तो है साथ में, तीन हो गए। अच्छा प्रेजेंट के बाद इज एम आर, इसके पास भी तीन, पास्ट बेचारा फिर गरीब, मतलब पिछली बार तो पेल दिए गए, है ना, भैया हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे, तो यहाँ पे पास्ट पिछली बार जो इसको कुछ नहीं मिला, इस बार मिला भी तो सबसे कम मिला, तो सबसे गरीब कौन, तो पास्ट बेटा। तो आप लोगों का पास्ट चाहे कितना भी खतरनाक या बुरा क्यों ना हो, फ्यूचर ब्राइट है, आरके सर के बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है, मेहनत करोगे तो। अच्छा इसके बाद आगे की कहानी पे आते हैं। अच्छा परफेक्ट में वर्ग की थर्ड फॉर्म तीनों के तीनों सेम टू सेम प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे, लेकिन एक कमी है बस, वो कमी क्या है कि ये जो वर्ग की थर्ड फॉर्म है ना, ये जो तीन नंबर है इनके नक्षत्र में, जो तीन नंबर होता है ये थोड़ा अशुभ माना जाता है। बचपन में आप लोगों ने जरूर ये डायलॉग सुना होगा ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, हाँ ये तो जरूर सुना होगा आप लोगों ने कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इवन अगर जिज्ञासा को स्कूल में मैडम तीन डंडा मारती थी तो कहती थी मैडम एक और मार दो ना प्लीज, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मम्मी जाके घर पे चार चप्पल मारे से अच्छा आप एक और मार दो, इतना खौफ रहता था तीन तिगाड़ा का, आज भी याद है, मैं नाम जिज्ञासा का ले रहा हूँ लेकिन मेरे साथ हुआ है ऐसा हम भी कभी बच्चे थे। अच्छा तो ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला कॉन्सेप्ट भाई अभी भी इनमें तो है ही है। तो अब इन्होंने सोचा, अच्छा सर प्लीज थोड़ी स्पीड स्लो रखिए, ओके ओके थोड़ा आराम आराम से चलते हैं। तो हुआ ये कि अब परफेक्ट जो था इसने देखा कि भाई वर्ग के थर्ड फॉर्म यानी कि तीन बच्चे हैं और तीनों नालायक हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए, फिर ऐसे में क्या किया जाए, ठीक है, इसके साथ इसके पास प्रॉपर्टी तीन है, बच्चे भी तीन है, तो इसने सोचा कि एक काम करते, ये एक बाबा जी को मानता था, बहुत पहुंचे हुए बाबा जी थे, सिद्ध बाबा जी, ठीक है, एक बाबा जी को मानता था, उस बाबा जी के पास गया, ठीक है, बाबा जी के पास गया, ये बेटा वही वाले बाबा आपके डेरे वाले है ना, उनको मानता था, आओ जी गुफा में, गुफा में गए, बोला कि बाबा जी ऐसी ऐसी बात है, तीन बेटे तीन प्रॉपर्टी है मगर नलायक है तीनों बच्चे, तो क्या करे। तो बाबा जी ने बोला एक काम करो बेटा, पुत्र अपनी प्रॉपर्टी को एच नाम से डिस्ट्रीब्यूट करना, किस नाम से, एच नाम से, तो कभी कोई आपदा नहीं आएगी। इसने कहा बाबा एच नाम में ऐसा क्या है, बोला कि पुत्र सवाल जवाब नहीं, बाबा जी ने बोल दिया एच नाम से तो एच नाम से जपना जपना जपना, तब इसने सोचा कि चलो बाबा जी ने बोला एच नाम से तो एच से ही बांटेंगे, सबसे पहले आया सबसे बड़ा भाई, पिताजी ने इसको क्या दिया, एच से हैज, इसने कहा अब पिताजी एक और चाहिए, एक और चाहिए, कुछ भी हो जाए एक और लेके जाऊंगा, पिताजी ने बोला नहीं नहीं बाबा जी ने बोला एक देना है और एच नाम से ही देना है, बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाबा जी ने क्या बोला है क्या बोला है कितना बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक और चाहिए। बोले यार ये तो गड़बड़ हो गई, क्यों चाहिए एक और,
प्रॉमिस करके आया है किसी को, है ना, ये निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट आजकल चल रहे हैं खूब तगड़े, है ना, प्रॉमिस करके आया है कि मैं दो लाऊंगा पिताजी से, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए, है ना। तो अब ये प्रॉमिस करके आया, अब ये प्रॉमिस भी नहीं तोड़ सकता, इसने पिताजी से अकड़ गया ये, तो पिताजी एक और दो, बोला नहीं बाबा जी ने बोला है कि एक देना है सबको, ऐसे नाम से बांटना है, बोला कौन से बाबा जी है, लेके चलो। उसने बोला चलो जी आओ जपनाम जपनाम, फिर पहुंचे बाबा जी को, अपने बड़े बेटे को लेके गया बाबा जी के पास, बड़े बेटे ने बाबा जी का जाते कॉलर धर लिया, बोला बाबा ऐसा है मेरे पिताजी को बोल के एक और दिलवा दो वरना मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। अब बाबा सोच रहा भैया मेरा कौन सा ऐसा भांडा है जो ये फोड़ देगा, बोला बाबा जी मुझे सब पता है कि आप एच नाम से क्यों बंटवाते हो, किसकी याद में आप एच नाम से बंटवा रहे हो प्रॉपर्टी को, मुझे सब पता है, ठीक है। हाँ कौन कौन समझ गया ये हनी का मतलब, जो जो समझ गया एक बार ठेंगा दिखाना। अरे बेटे ये बड़े हैवी ड्राइवर है, जो नहीं समझा बेटा आप पोगो देखो, खैर जो नहीं समझा उनको मैं बता दूं, बेटा हनी का मतलब है हनी सिंह, बस हनी सिंह मान लो, ठीक है, वो हनी सिंह का फैन था इसलिए हनी बोला मैंने, बाकी अब जो नहीं समझा उनको मैं और क्या बोलूं, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे भी बैठे हैं 18 से कम वाले, मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी। अच्छा तो अब जो है हनी से ये बोला कि बाबा जी ने कहा यार इसको सब पता है यार, इसको एक और दे दो, ये तो ब्लैकमेल करेगा नहीं तो। तो जपनाम करके घर आ गए, तो इसको एक और मिल गया, हैज भी मिल गया और हैव भी मिल गया, दोनों मिल गए। फिर आया पास्ट ने कहा अरे यार दो तीन थे, दो तो बट गए, एक ही बचा है, फटाफट हड़प लो नहीं तो वो भी चला जाएगा हाथ से। पिताजी से इसने क्या ले लिया, हेड। आखिरी में आया फ्यूचर, ठीक है, इसको मिल गया हैज, इसको मिल गया हेड। अब पिताजी के पास कुछ बचा है, एक भी नहीं बचा, फ्यूचर आया लास्ट में। अब एक कॉमन सी बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मान लो घर में कोई मेहमान आया, दो बड़े भाई को दो दो रुपए देके गया, सबसे छोटा कंचे खेल रहा था इसलिए वो लेट आया, उसको नहीं मिला, तो क्या वो सबसे छोटा वाला घर में किसी को जिंदा रहने देगा, नहीं रहने देगा, वो तो भाई साहब चाहिए तो चाहिए हिस्सा, मेरे को चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को भी चाहिए, है ना। अब उन दोनों को मिल गया, सबसे बड़े को मिल गया, बीच वाले को मिल गया, सबसे छोटे को मिला ही नहीं, अब ऐसे में तो चाहिए मतलब चाहिए, चाहे कहीं से भी लाओ, भले ही इसके गुल्लक में 200-100 के नोट रखे हों, लेकिन अगर मेहमान इन दोनों को एक एक रुपए देके गया है तो उसमें हिस्सा चाहिए। ये सबसे छोटे जो होते हैं ना, ये दिखने में बड़े शरीफ लगते हैं बेटा, लेकिन असल में यही गंगाधर शक्तिमान होते हैं, यही गंगाधर शक्तिमान होते हैं, असल में बात तो ये होती है, ठीक है। और ये भी बात सच है कि जो सबसे छोटे होते, अच्छा आप में से कौन कौन है जो सबसे छोटा है, एक बार ठेंगा दिखाना जरा। हाँ जो भी दो भाई या दो भाई बहन या तीन भाई बहन या चार भाई बहन में जो सबसे छोटा है, अरे भाई साहब बहुत सारे हैं। अच्छा जो सबसे बड़ा है वो जरा ठेंगा दिखाओ। हाँ एक वो एक देश, अरे भाई साहब। और जो बीच में आता है सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर, मतलब बीच में है, ना सबसे बड़ा ना सबसे छोटा, अच्छा ये है कुछ बच्चे, बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा फिर तो बेटा आप लोग पक्का रिलेट कर लोगे इसको, अपने रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे। देखो अब बिल्कुल सच बात बताऊंगा जो मैं बोलने वाला हूँ ना, उससे देखो आपको टेंस याद होने वाला है आज। सोचो जो सबसे छोटा होता है वो पूरा मतलब जिंदगी भर बेचारा वेटर का काम करता है, अगर गलती से घर में मेहमान आ गए तो इसकी शामत आ जाती है, जिसका मन करे मंदिर का घंटा है, रह पड़ देता, चल बिस्किट ला, नमकीन ला, ये ला वो ला, मतलब मंदिर का घंटा है सबसे छोटा जो होता है, उसको बजाते ही रहते हैं टन टन टन। और जो सबसे बड़ा होता है उसके ऊपर हमेशा उसके गर्दन पे तलवार रहती है, जो भी मेहमान आ जाए, अब बेटा आगे का क्या सोचा है, दसवीं हो गई, अच्छा ग्यारहवीं में क्या लेगा, अच्छा बारहवीं भी हो गई, अब क्या करना है, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ कल, अच्छा फिर तीन साल बाद आते हैं, बेटा क्या कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ जी, फिर तीन साल बाद क्या कर रहे हो, एसएससी की तैयारी, अब एसएससी हो गया कि क्या हो गया, तुम एसएससी कर रहे हो कि एसएससी तुम्हें कर रहा है, ये नहीं मतलब वो सबसे बड़े वाले की वो हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। और जो सबसे छोटा होता है उससे पूछते हैं बेटा आगे का क्या सोचा है, तो सबसे छोटा क्या जवाब देता है, सोचा तो कुछ नहीं है, बस आप जाओगे तो नमकीन खा लूंगा बची हुई, और क्या, छोड़ी तो आपने है नहीं, जरा सी बच रही है वो भी खा ही लोगे, चाय चाय पी लेते यार, है ना। तो ऐसा होता है, खैर तो अब जो है यहाँ पे जो सबसे छोटा होता है, अब इसको मिला नहीं, अब ये आया रोते रोते बीच वाले भाई के पास, ठीक है। देखो फैक्ट पे चल रही है सारी कहानी है, कोई भी रट्टा नहीं करवा रहा हूँ, सारी बातें एकदम मौज लेकर के सीखो। तो अब सबसे छोटा रोते रोते आया बीच वाले भाई के पास, भैया दे दो मेरे को तो एक भी नहीं मिला। जब सबसे छोटा रोते रोते बीच वाले के पास आता है तो बीच वाले का क्या फर्ज बनता है, दो लात और मारे, यही होता है भाई, वो फैक्ट तो यही है कि अब उसके पास बेचारे के पास एक ही है, उसके पास पहले से दो है, अब ये कहता है यार मेरे पास एक ही है मैं तेरे को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा,
मैं नहीं दे रहा, भाग यहाँ से। तो लड़ाई हो गई, उसने 2 लाख दे दिया खींच के। अब सबसे छोटा दिखने में शरीफ लगता है, होता बड़ा हरीफ तो यही है ना। इसने अड्डा उठा लिया, फोड़ दूंगा खोपड़ा तेरा, मार दो फेंक के, है ना। अब दोनों में हो गया लड़ाई। अब सोचो जब घर में दो छोटे भाई लड़ते हैं तो मम्मी यहाँ करके किसको चमकाती है? समझ गए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर घर में दो छोटे भाई लड़ते हैं तो मम्मी आगे किसको कूटती है? सबसे बड़े को, कि तेरे रहते ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं। किस किस के साथ ऐसा हो चुका है हादसा? कौन कौन है घर में जो सबसे बड़ा है, जिस चीज के साथ ऐसा हादसा हो चुका है बचपन में कई बार? देखो हाथ उठ रहे कई हो गए, मतलब कि घर में लड़ाई कर रहे हैं वो दोनों। भाई हमारा कोई रोल नहीं उसमें, और मम्मी आकर के हमको कूट देती है बेवजह में। बताया तुम्हारे रहते दो लड़ रहे हैं, मतलब इन दोनों की गलती का बोझ यही सबसे बड़ा वाला झेलता है। जैसे मान करके चलो कि अब ये सुरक्षा है, ठीक है, अब ये गलती से ये और इसका छोटा भाई एक ही स्कूल में इनका एडमिशन हो गया। मान लो ये है सुरक्षा और ये इनका छोटा भाई, ठीक है, गलती से दोनों का एक ही स्कूल में एडमिशन करा दिया पापा ने। ये पढ़ता है नर्सरी क्लास में और सुरक्षा पढ़ती है मान लो 3rd क्लास में, एक ही स्कूल में दोनों के दोनों एडमिशन ले लिए हैं। अब इसके भाई का क्या नाम तुम्हारा, चलो कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इनके भाई का कुछ भी नाम था, अब इनके भाई की गलती से नाक भी निकल गई ना, तो स्कूल की मैडम इनको 3rd फ्लोर से बुलवा लाती है, लइए रे जरा पकड़ के लइए इसकी बहन को, जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं होते हैं उठवा लेते हैं, ऐसे उठवा लिया जाता है घर से इनको क्लास से, आ जा बेटा आ जा। नाक कैसे निकल रही है, सुरक्षा भी आके कहती है मैडम जी इसकी मम्मी ने लगाया तो था रुमाल खो, वो छोटा वाला भी खुश होकर कहा दीदी थो दया, दीदी वो तो थो दया। हाँ वो एकदम गंगा यमुना दोनों बह रही है, एकदम होटो तक आ रहा है, ये भी एकदम घिन कर रही है, भगवान छी। और वो जब देख, मैडम कहती है पूछो तुम ही पूछो इसको, कहती है पाप कर दिया, अरे एक ही स्कूल में एडमिशन नहीं कराना चाहिए था, पाप कर दिया, पता नहीं कौन से जन्म में किया होगा। अब इसका छोटा भाई देखता है दीदी दुखी है तो क्या करता है, एक सूट मारता है, दीदी हो दया साहब, सिर्फ एक सूट मारता है यहाँ से यहाँ तक पूरा हाथ लपेट देता है, कहता दीदी हो दया। उसको ये नहीं पता है उसने दीदी की टेंशन और बढ़ा दी, मैडम की टेंशन और बढ़ा दी, दीदी की टेंशन और बढ़ा दी, और कहता हो दया। मैडम भी एकदम इरिटेट हो गई है, ये भगा इसे। अच्छा खैर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि अब जो सबसे बड़ा था इसने कहा कि ठीक है भाई एक काम कर, मैं तेरे को देता हूँ, इधर आ तू मेरे पास आ। सबसे बड़े भाई ने इसको बुलाया, अरे गरीब इधर आ, रोता रहता जब देखो। इसने कहा देख बेटा मेरे पास दो है, एक हैज और एक है, बता तेरे को कौन सा चाहिए। अब देखो सबसे छोटे में दिमाग कितना है, इसको कुछ भले ही ना आए, बच्चे जो होते हैं ना सबसे छोटे बच्चे, ये ABCD आसानार बाद में सीखते हैं, पहले इनको ना गिनती आ जाती है, बड़े छोटे का ज्ञान हो जाता है, ज्यादा कौन सा है कम कौन सा। देखो इसने काउंट किया, भैया पहले काउंट करने दो, 1 2 3 और 1 2 3 4, अरे बाईस, इतना तो भैया अनपढ़ भी जानता है कि बड़ी वाली आइसक्रीम कौन सी है, ज्यादा कहाँ मिलेगा, है ना, इतना तो वो सब जानते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं ना ये कुछ सीखे ना सीखे चलाकी पहले सीख जाता है। इसने कहा भैया बड़ी वाली चाहिए, इसने कहा नहीं हैज ले ले, नहीं नहीं चाहिए तो यही चाहिए, अब मेरे को चाहिए नहीं दूसरी, बोल दिया तो बोल दिया यही चाहिए। अब प्रेजेंट सोच रहा है यार गड़बड़ कर दी मैंने, तो चुपचाप हैज दे देता तो भी मान जाता, मैं क्या करूँ। अब हैज वो लेने को तैयार नहीं है, हैव अगर मैं उसको दे दूंगा तो मेरे पास फिर दो का तो मतलब ही नहीं बचेगा, नहीं दूंगा तो रोना शुरू करेगा, मम्मी आकर फिर कूट देगी मेरे को, ठीक है क्या किया जाए। अब बड़े ने एक दिमाग लगाया, बड़ा आखिर बड़ा है भाई, बाप के गुण आते हैं सारे, बाप होते हैं बड़े टैलेंटेड, है ना। तो दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, इसने कहा बेटा एक काम कर तू, इधर छोटे तो एक काम कर तू घर जा, मैं तेरे को भिजवाता हूँ। इसने क्या किया, हैव की एक कलर फोटोकॉपी कराई और इसको भिजवा दिया, इसको भिजवा दिया, ये खुश हो गया, अरे वाह भैया ने मेरे को दे दी बड़ी आइसक्रीम। उसको ये नहीं पता कि भैया ने उसको सिर्फ आइसक्रीम की डंडी चुसवाई है, असली माल तो भैया पेल गए। होता है ना ऐसे, मतलब छोटे को आइसक्रीम का कोन दे देते हैं, ले बेटा चाट इसको, और असली आइसक्रीम तो तुम लोग चबा जाते हो, है ना। चॉकलेट खाते समय भी जब वो किटकैट वगैरह के 2 लेयर होते हैं ना, तो ऊपर वाला चबा जाते हैं बड़े वाले, बड़े भैया भैया दीदी, और जो छोटा वाला नीचे का हिस्सा बसता है वो देते हैं, ले बेटा चाट इसे, यही असली चीज थी, है ना। वो छोटे को ये नहीं पता भैया ने आइसक्रीम की डंडी चुसवाई है, सारा माल तो भैया पेल गए। और गलती से भी अगर कुरकुरे का पैकेट बच्चे को दे दो ना और बोलो ला बेटा मैं फाड़ दूं, तो पहले पीछे लेके भग जाएगा, नहीं तुम छीन लोगे, तुम खा लोगे, तुम नहीं फाड़ोगे, है ना। वो समझदार हो जाते हैं छोटे बच्चे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो अब जो है इसको रूल तैयार आ गया, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, रूल सबके तैयार है।
अच्छा अब आ जाओ लास्ट वाले। अब देखो यहाँ पे बेटा हमारे पास परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार थम्स अप दिखा दो। चलो बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो तो अब जो है आखिरी वाले पे आते हैं, परफेक्ट भी है और इसमें कंटिन्यूस भी है, दोनों चीजें एक साथ है। अब इसको कैसे याद किया जाए? इसका मतलब इसमें कुछ चीजें परफेक्ट की आएगी, कुछ चीजें कंटिन्यूस की आएगी। तो इसमें भी तीन, इस खानदान के भी तीन बच्चे हुए, आई एन जी फॉर्म। माँ बाप ने सोचा यार बच्चे तो ठीक है लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बड़े होके बिगड़ जाए, तो एक काम करते हैं इनको बाबा जी के पास छोड़ आते हैं, ठीक है। अरे वो बाबा जी मत समझना, वो गए ससुराल, वो चले गए जहाँ जाना था, ठीक है। उनको लपेट लिया पुलिस वाले ने, अब ये गए दूसरे बाबा जी के पास, ठीक है। दूसरे बाबा जी जपनाम नहीं रे, रामदेव बाबा को बोला भाई साहब ऐसा है बच्चों को रख लो अपने पास, थोड़ी सी शिक्षा दीक्षा देना, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम ले जाएंगे। बाबा जी ने भी बोला आन दो, वैसे भी लॉकडाउन के चक्कर में लेबरों की कमी चल रही है, आन दो, हमारे फ्री के लेबर मिल रहे और क्या चाहिए, है ना। तो इनको फ्री के लेबर मिल गया, बच्चे वहीं पे अपना काम वाम करके बड़े होने लगे, धीरे धीरे करके बच्चे बड़े होने लगे। अब आर डी बाबा के नीचे एक और बाबा आते हैं, बी के बाबा, देखा होगा आपने बालकृष्ण, दो दांत वाले ऐसे। उन्होंने देखा कि यार ये बच्चे कौन है, शक्ल से तो गरीब लग नहीं रहे हैं, एकदम जिज्ञासा टाइप, बिल्कुल एकदम अमीर, एकदम पापा की परिया टाइप लग रहे, बिल्कुल अमीर घर के। यार बायोग्राफी निकालो जरा इनकी। इनका जब पूरा हिस्ट्री छान मारा तो पता चला यार ये तो बड़े अमीर घर के बच्चे हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि अब जो है इन्होंने बाबा जी ने, यानी कि बालकृष्ण बाबा ने तीनों को पकड़ के बिठाया एक जगह और इनकी काउंसलिंग करी, इनको लपेटा, मतलब एकदम ब्रेन वॉश किया, जैसे आप लोगों को किया जाता है ना कोचिंग में जाते हो तो रिसेप्शन पे काउंसलिंग में पकड़ के लपेट दिया जाता है, आ जा बेटा आज हम भी तुम्हें आईएएस ऑफिसर बना देंगे। तो वही चीज हुई, अब इनको लपेट दिया कि तुम्हें पता तुम कितने अमीर घर से हो, है तुम्हें बताओ, तुम्हारे दोस्त वहाँ जूम ऐप पे क्लास ले रहे हैं, बताओ वहाँ फटी जींस पहन के घूम रहे हो, तुम यहाँ केले के छिलके पहन के झुंगुलाला कर रहे हो, कोई बात है? इन बच्चों के दिमाग में आया बात तो सही कह रहे हैं यार, हम इतने अमीर घर से तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं। इन्होंने कहा भैया अब हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। इन्होंने कहा करे तो करे क्या, बाबा जी ने राय दी काम करो अपने पिताजी से जाके मांगो, दे तो अच्छी बात है, बोले अगर ना दे तो, ना दे तो क्या करोगे, ना दे तो चोरी करो भैया, अपने घर का, अपने ही तो घर का है, अपने घर में चोरी चोरी थोड़ी होती है, अधिकार होता है। बस ये बात इनके मन में बैठ गई, अपने घर में चोरी चोरी थोड़ी होती है, अधिकार होता है। सबसे पहले गया प्रेजेंट चिल्लाते हुए, अपने धल में तोली तोली नहीं होती है, अधिकार होता है। ये गया अपना अधिकार ले आया, हैज और हैव, फिर आया पास गुनगुनाते हुए गया कि अपने घर में चोरी चोरी थोड़ी होती है, अधिकार होता है। सबसे छोटे ने सोचा, सबसे छोटे वाले भाई ने, कि जब दो बड़े भाई किसी काम को कर चुके हैं तो कुछ तो अच्छा होगा, है ना। मान लो दो बड़े भाई कुएं में कूद गए ना, तो छोटा सोचेगा नहीं, फिर वो भी कूदेगा। जैसे कई ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, कहते हैं दीदी नहीं पढ़ेगी तो मैं क्यों पढ़ूंगा, है ना। हाँ कुछ ऐसे बच्चे भी क्लास में बैठे हैं कि दीदी नहीं पढ़ेगी मैं क्यों पढ़ू, है ना। ऐसे भी ऐसे कई बच्चे बैठते हैं, क्यों बेटा लक्ष्य। तो ऐसे में तो अब जो दो बड़े भाई किसी काम को करे, अगर वो नहीं पढ़ रहे हम भी नहीं पढ़ेंगे, और अगर वो पढ़ रहे हैं तो ठीक है जी हम भी पढ़ेंगे। तो वही चीज की दो बड़े भाई ने जाके चोरी कर ली अपने घर में, इसने कहा हम भी करेंगे जी, ये भी जा करके अपना क्या ले आया, हैव ले आया। अच्छा अब हुआ ये कि अगले दिन बाबा जी की नींद खुली, उनको पता चला, एक आ गए वापस जहाँ भी गए थे, आर डी बाबा को, अरे बच्चे तो चोर हो गए भाई, बच्चों ने चोरी कर ली, बच्चे बिगड़ गए, इसका मतलब। अब सोचो बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ, लड़के जब बिगड़ जाते हैं तो उनको सुधारने का क्या रास्ता है? एक ही रास्ता है, देखो शादी कर दो। देखो दो केस में लड़कों की शादी हो जाती है, दो केसेस में लड़कों की शादी हो जाती है। जैसे मान करके चलो कि अब हमारे पास लक्ष्य है, ठीक है, ये हमारे प्यारा सा बच्चा है, एक लक्ष्य, ठीक है। अब मान लो कल को ये आईएएस आईपीएस बन जाए, ठीक है, एकदम बड़ा आदमी, एकदम चश्मा वश्मा लगा करके डैशिंग लुक है, ये आईएएस अधिकारी बन गया और एकदम हैंडसम अलग है भाई साहब, लौंडा बिल्कुल। तो इसके घर वाले कहेंगे भाई जल्दी से शादी करा दो, लड़की वड़की ढूंढो इसकी फटाफट, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि खुद ले आए, क्योंकि अब तो कोई मना भी नहीं कर सकती है, अब कोई खुद ना ले आए किसी को, है ना। अच्छा और क्योंकि सैलरी के पीछे जीरो की भी गिनती कम नहीं है भाई साहब, आईएएस आईपीएस बन गया लंडा। अच्छा ये तो हो गया पॉजिटिव वाला, इसलिए लड़की शादी करा दी गई। एक हो गया नेगेटिव वाला कि लड़का चोर बन जाए, चोरी कर ले, बिगड़ जाए, तो माँ बाप सोचता है यार शादी करा तो सुधर जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, बीवी भी आ जाएगी, सुधर जाएगा। तो इनका नेगेटिव वाला केस था, तो इनकी शादी करा दी गई, तो इनकी क्या बच गई, इसकी क्या बच गई, बीन। पास्ट की भी क्या बच गई,
बीन फ्यूचर ने कहा सबसे छोटे ने, अरे मैं तड़ी था। बोला भाई बेटे तू भी था, तूने भी चोरी करी थी, चोरी चोरी अधिकार, बेटे आ जा तेरे को भी लपेट लो। तो इसकी भी शादी कर दी। तो केस तीनों की क्या बच गई, बीन बच गई। ठीक है, हमारे रूल तैयार। मजा आया कि नहीं आया, सबको याद हो गया? चलो तो मैं अब आपको आपकी आवाज लौटा रहा हूँ, जिसको जो पूछना है पूछ सकता है। मजा आया? तो ये पूरा रूल आपका टेंस कंप्लीट, मतलब सिर्फ आज रूल रूल्स बताया मैंने आपको, जल्दी से नोट कर लो उसको फटाफट से, और किसी का कोई सवाल है तो बोल के पूछ सकते हो। मैंने आपको आपकी आवाज लौटा दी है। यस सर, छोटा वाला तो छीन भी लेता है दोनों से, सर मेरे साथ बहुत बार होता है। हाँ मैं जानता हूँ ऐसा होता है, छोटे वाले छीन भी लेते हैं, सही बात है। चलो उतार लो जल्दी से, और अगर किसी का कुछ पूछना है तो बेटा बोल के पूछ सकते हो आप लोग। मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर दिया अपनी साइड से, बस अपनी साइड से आप लोगों का एक्सेस करके अनम्यूट करके पूछ सकते। अरे वाह, फिर से फोटो खींच रही हो बेटा, रुक जाओ रुक जाओ, थोड़े बाल बाल अच्छे कर लो अब, ठीक है। हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं? संतूर से कभी कभी हम भी ना रहते हैं। सर बीन बजा दी आपके? नहीं मेरी बीन नहीं बजी थी बेटा, मेरा पॉजिटिव वाला मामला था, कहीं नेगेटिव सोचा। जल्दी लिखो जल्दी, जब लिखने का काम हो जाए तो एक बार दिखा देना थम्स अप। मैंने आपको बोला है ना कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि ये मान के आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो लेवल से। पर आज मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिगनिंग से चीजों को लेकर के शुरू किया पढ़ाना, और धीरे धीरे करके मैं लेवल बढ़ाऊंगा। बस मेरी कंडीशन ये है कि आप लोग क्लास मिस मत करना, गलती से भी अगर आपकी क्लास मिस हो गई तो बहुत सारी चीजें छूट जाएगी। जैसे आज की क्लास अगर किसी बच्चे की मिस हो गई है ना तो बहुत लॉस हुआ है उसका, बाकी आप तो कुछ जानते ही हो, हुआ है कि नहीं हुआ लॉस, हुआ ही होगा। जल्दी भाई लिख लो फटाफट से, लिखने का काम हो जाए तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिएगा। लता डन, ज्योति डन, तनिष्का डन, लक्ष हो गया, राशि मलिक, सुरक्षा, मोनिका, ज्योति, राहुल, यतिनी दिख रही है। अरे गोलू आज किचन में नहीं है, लेटे लेटे पढ़ रही है। आए, आए। आज किचन में नहीं हूँ, आज बैठ के पढ़ रही हूँ। कुछ बोल रही हो? ओहो, आप इससे पहले भी आपने किसी ने कुछ बोला बोला है क्या? क्योंकि मैंने भाई कान से लीड हटा रखा था, कहीं ऐसा ना हो कि आप बोल बोल के थक गए और मैं सुन ही ना रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया, चलो हो गया एवरीबॉडी डन। ओके ओके ओके, तो बेटा ये सारी बातें थी हमारी टेंसेस के रूल्स की। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी भी बातें आप सीखो जो आपको आगे वॉइस में काम आने वाली है, ध्यान से सुनो। अगर किसी भी टेंस के अंदर, थोड़ा पेज पलट लो, अगर किसी भी टेंस के अंदर बी या बीन आ जाए तो उस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अगर किसी भी टेंस के अंदर बी या बीन आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जल्दी से लिख लो, क्यों नहीं बनता ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? ये लंबी कहानी है, बहुत लंबा चलेगा ये भी। क्यों नहीं बनता ये बाद में पूछना, बस नहीं बनता। खुद अगर... पैसिव होता ना, वो होता ना सर पैसिव। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर या किसी टेंस के अंदर बी बीन या बीइंग आ जाए, मतलब बीइंग तो किसी टेंस में एक्शन में था नहीं लेकिन उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, तो उसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, किसी भी हाल में नहीं बनता, ठीक है? तो इसका मतलब अगर हम शॉर्टकट में देखें तो आजा जरा पीछे पेज करो, ये रहा। तो देखो बेटा इन सब में कहाँ कहाँ है बी और बीन, एक बार जरा पढ़ना जरा कौन कौन से टेंस में है। पहला फ्यूचर कंटिन्यूस है कि नहीं, ध्यान से देखो। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में वाले डब्बे में लिख दो नो पैसिव, मैं तो नहीं लिख पाऊंगा, जगह कम बची है, आप अपने हिसाब। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ एनपी, एनपी का मतलब नो पैसिव। इस टेंस का कभी पैसिव नहीं होता है, आपने कभी आज तक देखा भी नहीं होगा फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव।
इसके अलावा यहाँ बीन आ रहा है नो पैसिव, यहाँ पे भी बीन आ रहा है नो पैसिव, यहाँ पे भी बीन आ रहा है नो पैसिव। यानी कि इंग्लिश के अंदर टेंस 12 होते हैं लेकिन पैसिव के रूल सिर्फ 8 होते हैं, ठीक है। जिसने कभी मेरे से एक्टिव पैसिव पढ़ाया तो याद होगा मैंने 8 रूल लिखवाए थे उनको एक्टिव पैसिव के, तो यही थे, यही कारण होता है कि टेंस के वैसे तो 12 रूल होते हैं लेकिन इन 4 को हटा दो तो बचे 8, तो 8 ही रूल होते हैं बच्चे वॉइस के पैसिव वाले के। डन, यस, हो गया, वेरी गुड, डन डन डन, ओके ओके ओके, वेल डन। अच्छा अब इसमें एक दूसरा पॉइंट और जान लो, यहाँ हमने पॉइंट नंबर 1 अभी जो भी मैंने लिखवाया उसको पॉइंट नंबर 1 मान लेना। पॉइंट नंबर 2 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। इंग्लिश में कहीं पे भी अगर डू डज या डिड आ जाए तो याद रखना इसके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म, ठीक है। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी। अब आप कहोगे सर बेस फॉर्म क्या होती है, तो बेटा बेस फॉर्म ये होती है जो ब्रैकेट के बाहर लिखी है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो दो होती है, जैसे गो गोस, ईट ईट्स, राइट राइट्स। तो बेस फॉर्म का मतलब जो ब्रैकेट के बाहर है, जैसे गो है, ईट है ना। तो हमेशा याद रखें कि डू डज डिड के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है। पॉइंट नंबर 3 कि मोडाल के साथ भी हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ही आती है। जल्दी से लिख लो, आई हैव अ पेन, ये इंडेफिनेट होगा ना। हाँ बेटा बिल्कुल इंडेफिनेट होगा, ये मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा कि बिना एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस कौन से टेंस में बनते हैं, अगली क्लास का टॉपिक है वो। पॉइंट नंबर 3 कि अगर मोडाल के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो या तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसके बाद, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जल्दी लिखो मोडाल, देखो अगर अकेला कभी मोडाल आ जाए तो उसके साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, जैसे डू डज डिड के साथ कहानी थी सेम वैसे यहाँ कहानी है। मोडाल के साथ अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हमेशा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और कोई फॉर्म नहीं आएगी। जल्दी लिखो सर। हाँ सर बोलो। फोर्थ वाले में मोडाल प्लस क्या है? हेल्पिंग वर्ब, एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब। अच्छा ठीक है, तो ये बेटा 4 रूल थे, एक तो पीछे लिखवा दिया, वो 2, 3 और 4। ये 4 रूल बेटा यूनिवर्सल रूल होते हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है इंग्लिश के अंदर, इनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, इसका एक सिंगल एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा और ये जान लो मोडाल होता क्या है, हो सकता है कई बच्चे ऐसे भी हों जो शायद ना जानते हों, कोई बात नहीं, नहीं जानते ये गलत नहीं है, पूछते नहीं हो ये गलत बात है। अब जान लो मोडाल हमारे पास, जैसे आपने सुने होंगे विल वुड शैल शुड, ये वर्ब में पढ़ा दूंगा आपको, कैन कुड है ना, मे माइट वगैरह वगैरह, ये जितने हैं मोडाल्स, ठीक है। ये बिना मेन वर्ब के आते ही नहीं है ना कभी भी, इसलिए तो मोडाल अगर क्या हमने क्या सीखा एक बार रिवाइज मान लेते हैं। फर्स्ट वाला तो हमने ये सीखा था कि कभी भी किसी सेंटेंस में बी बीन बीइंग आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, और लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर 2 कि डू डज डिड अगर किसी भी सेंटेंस में लिखा आ जाए तो उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की बेस फॉर्म ही आनी चाहिए, बेस फॉर्म मतलब जो ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई थी। पॉइंट नंबर 3 मोडाल अगर कभी भी आ जाए अकेला तो उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की बेस फॉर्म ही आनी चाहिए, और सेंटेंस नंबर 4 कि अगर मोडाल के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। कहो तो एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, एग्जांपल भी लिख लो ताकि थोड़ी संतुष्टि और मिल जाए आप लोगों को। देखो शी डज नॉट नो या नोज माय नेम, ही कैन गो देयर, she will have
complete you have completed the work the task last he will be wait yeah waiting outside ठीक है समझदार हुई आप आंसर बताई दोगे नोट कर लो एग्जाम्पल के साथ सारे सारी चीजें सिखा दी मैंने आपको जल्दी से लिख लो इसको आज तो टाइम का पता ही नहीं चला मजा आ गया नहीं आज पढ़ने वाले बच्चे मिल जाना मुझे तो मेरे को टाइम का पता ही नहीं चलता बस मजा ही आ जाता नो गो कंप्लीटेड फोर्थ का भी बताइए तो ओके सर जी बेस फॉर्म क्या होता है दोबारा बता दो अच्छा बेस फॉर्म फिर बता दूं अच्छा बताता हूँ लिख लिया लिखने का काम तो हो गया ना देखो बेस फॉर्म क्या होता है जान दो जैसे मेन बुक की फर्स्ट फॉर्म मेन बुक की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म चार फॉर्म होती है वैसे तो जनरली तीन ही होती है लेकिन फोर्थ इजी टू वे करने के लिए कर दिया कि हाँ भाई आईएनजी फॉर्म कहीं भी आएगी तो उसको फोर्थ फॉर्म बोला जाएगा ये जो बाहर लिखे हुए हैं ना बेटा ये बेस फॉर्म होते हैं और जो अंदर लिखे हैं ये सेकेंडरी फॉर्म होते हैं जैसे अगर मैंने वर्ड कहा राइट तो राइट रॉट रिटर्न और राइटिंग ऐसा होता है और राइट्स होता है इसका सेकेंडरी फॉर्म जो ही शीट के लिए लगाया जाता है तो ये जो बाहर लिखा है ना इसे कहते हैं बेस फॉर्म समझ गए यही बात मैंने आपको सिखाई पीछे बेस फॉर्म का यूज किया जाएगा राइट हो गया एवरीबॉडी डन 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 वसीम जी डन फिंगर दिखा दो भाई आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे यस बढ़िया तो आंसर कर लेते हैं इसका तो शी डज नॉट नो नॉर्मली नोज लगाया जाता है शी के साथ लेकिन यहाँ पर क्योंकि डू डज आ चुका है तो नो लगाया जाएगा ही कैन गो देयर शी विल हैव कंप्लीटेड क्योंकि मॉडल के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गई तो वर्क किया तो थर्ड फॉर्म या तो फोर्थ मतलब आईएनजी फॉर्म तो ही विल बी वेटिंग आउटसाइड खैर तो आज जितना पढ़ाया समझ में आया वैसे आप लोगों के माइक ऑन है आप चाहो तो बोल सकते हैं आप लोगों को आज जितना पढ़ाया गया सब अच्छे से समझ में आया मजा आया कि नहीं आया सर एक चीज बहुत बढ़िया तो देखो आज बिल्कुल बेसिक लेवल को स्टार्ट किया है अगली क्लास में थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे करके दो से तीन क्लास में इसको खत्म किया जाएगा कोई जल्दबाजी नहीं होगी किसी भी टॉपिक को पढ़ने में कि जल्दी 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 इनको किया जाए ठीक है अच्छा एक कोई कुछ डाउट एक मिनट सर बेस फॉर्म को E5 फॉर्म बोलते हैं नहीं 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 एक मिनट हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है इनका क्योंकि कई जगह मैंने देखा है इवन किताबों में भी एक V5 भी होता है अच्छा अच्छा वो मैं समझा देता हूँ देखो V5 जो होता है ना वो एक्चुअल में है कुछ नहीं वो जो मैंने यहाँ पे सेकेंडरी फॉर्म बोली है ना ये जो ही शीट के लिए स्पेशल लगाई जा रही है यही V5 होती है वो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले पर डिपेंड करता है वो इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं इसी को कई किताबों में V5 लिखा जाता है गोज यहाँ लिख दिया V5 इट्स V5 वो एक्चुअल में V5 वो कुछ नहीं है वो पढ़ने वाला और पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको V5 के फॉर्म में पढ़ना चाहते हो या फर्स्ट फॉर्म का ही सेकेंडरी पार्ट पढ़ना चाहते हो वो आपके ऊपर है ठीक है और कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर किसी का और कोई डाउट किसी का कोई परेशानी कुछ रह गया तो पूछ लीजिए इससे आगे ये जो हाँ बोलो ये जो चार रूल बताए आपने ये ऑल ओवर इंग्लिश यूज होंगे ना हर जगह इसका पूरे इंग्लिश में कोई एक्सेप्शन नहीं है चाहे आप कोई भी टॉपिक पकड़ लो टेंस वॉइस नरेशन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब कुछ भी पढ़ लो इसका कहीं कोई एक्सेप्शन रूल नहीं होता चलिए और किसी का कोई डाउट तो नहीं रहा अगर डाउट नहीं रहा तो एक बार थम्स अप दिखा दो चलो बहुत बढ़िया शाबाश ठीक है आपको टेंस के नोट्स भी मिल जाएंगे लेकिन आज नहीं वो जब ये टॉपिक खत्म होगा एक दो क्लास के बाद तो आपको हैंड रिटन भी मिल जाएंगे अच्छे से जो भी है थोड़ी राइटिंग गंदी होगी थोड़ा एडजस्ट कर लेना तो वो हैंड रिटन नोट्स पड़े हुए मेरे पास वो भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में आप उसको देख लीजिएगा जो आपका बचा कुचा पार्ट रहेगा वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो मतलब नोट कर सकते हो राइट चलिए बेटा फिर मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए सबको बाय बाय टेक केयर गुड नाइट और जय हिंद
ठीक है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, थोड़ा सा आज का टाइम खराब चल रहा है कोरोना की वजह से, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड नाइट और जय हिंद। बाय सर।